ओके सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अमित बारल, नीट गुरु चंडीगढ़। सो आज की जो वीडियो है हमारी हो दैट इज अ कंप्लीट एनालिसिस फॉर द हरियाणा कट ऑफ। सो जो राउंड टू का रिजल्ट जो है वो इस बार जो वो सबसे पहले जो वो हरियाणा का आया है हमारे रीजन में, फर्स्ट जब वो वैसे तो हर बार पंजाब का फर्स्ट आता था, बट इस बार हरियाणा का जो वो राउंड टू का रिजल्ट सबसे पहले आ गया। सो 24th को जो रिजल्ट आ गया था, लास्ट कल रिजल्ट आ गया था, इसी का ही हरियाणा का ही। सो जिसमें जो है वो ओवरऑल क्या कट ऑफ रही है, अब मतलब वेरी स्ट्रेंज चीज क्या जा रही है इस बार राउंड वन और राउंड टू में, हर स्टेट में मोस्ट प्रोबेबली वही चीज देखोगे। बिकॉज देखो ऐसा कभी नहीं हुआ, हमारा हर बार जो आप कोई भी एनालिसिस आप लास्ट ईयर का निकालते हो तो राउंड वन से राउंड टू में जो है वो ग्राफ नीचे आता है। राउंड वन का अगर जो वो 604 पे जाता है तो राउंड टू में 598 595 तक चला जाता है, तो यानी कि ग्राफ जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। बट दिस ईयर जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्टेट का जो ग्राफ राउंड वन और टू का जो ग्राफ होगा वो ऊपर राइज होता हुआ नजर आ रहा है। सेम एज इट इज ही जो वो पंजाब का भी रिजल्ट आज आ जाएगा तो उसमें भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। सो मोस्टली इतना चलो क्योंकि इसमें कॉलेजेस में क्योंकि ज्यादा मार्जिन आपको नहीं नजर आएगा इसमें। अगर आप देखोगे कि जो वो अगर कम भी हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली टॉप कॉलेजेस आपको नजर आएंगे। सो एक बार जो वो डिस्कस कर लेते हैं क्या रहा राउंड वन का रिजल्ट और क्या रहा राउंड टू का रिजल्ट, दोनों का कंपेरिजन करके मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द ESIC फरीदाबाद, ठीक है। सबसे हाइएस्ट कट ऑफ इसी की ही जाती है तो सेम एज इट इज 683 नंबर पे राउंड वन पे ये जो लास्ट सीट फिनिश हो गई थी। राउंड टू में जो रिजल्ट न्यू रिजल्ट आया 681 पे गई है, तो यानी कि दो नंबर का मार्जिन आया। ऐसा नहीं है कि इसमें दो नंबर में, जब वो स्टूडेंट बहुत ज्यादा है, जितने ज्यादा स्टूडेंट्स हैं दे गॉट द एडमिशन, क्योंकि सीट्स तो खाली हुई थी बिकॉज द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट द ह्यूज अमाउंट ऑफ द स्टूडेंट जस्ट मूव टू द जो वो ऑलरेडी अ कोटा राउंड वन में। बट स्टिल राउंड टू में जो रिजल्ट आया इसमें भी, अब ये वीडियो में मैं सेकेंड वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, इसमें भी ये जो कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कुछ वहां पे कॉलेज अच्छा मिल गया हुआ, ऑल इंडिया कोटा में राउंड टू में रिजल्ट आ गया हुआ है, बट अप्लाई तो उन्होंने इकट्ठे किया था। सो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम दिस सेगमेंट दे विल मूव टू द ऑल इंडिया कोटा राउंड टू में जाएंगे, तो फिर ये जो सीट है वेकेट हो जाएगी, इसकी सीट मैट्रिक्स दोबारा से आएगा और राउंड थर्ड में जो है वो आ जाएगा। राउंड थर्ड में ये वाली सीट्स भी पेंडिंग बचेगी, प्लस साथ में NRI की सीट्स, PWD की सीट्स जो वो क्लबरेट होके राउंड थ्री विल बी द प्रोडक्टिव, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द 683 से 681 पे गया है। PGI रोहतक की बात करें तो 680 से जो वो 680 पे सेम, लास्ट राउंड में भी 680, इसमें भी 680। नेक्स्ट इज कल्पना चावला 676 के बाद जो वो 675 पे जो आके रुक गया राउंड टू में। राउंड वन में 667 पे था SH जो वो हसन खान मेवात, और अब जो वो अब ये देखो इसमें राइज आया, ठीक है। राउंड वन में 667 था, राउंड टू में जो वो 670 पे चला गया। BPS सोनीपत की बात करें जो वो वुमेन कॉलेज है, ठीक है, 668 से 670, दैट इज मोस्ट डिमांडिंग कॉलेज फॉर द ऑल वुमेन्स, ठीक है। नेक्स्ट इसे महाराजा अग्रसेन कॉलेज 665 से 666, लो जी अप गया, ये भी अप गया, इसमें भी अपग्रेडेशन है। अगर 667 है सेम है तो ये भी आप अपग्रेडेड ही समझो भाई, ये भी अपग्रेडेड ही समझो, ठीक है। ये डाउन नहीं हुई है, बड़ी है कट ऑफ, बिकॉज बच्चे कम स्लॉट मार्क्स वाले थे, बट जो वो रैंक कम था, बट जो वो कट ऑफ जो वो उतनी रही है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज अटल बिहारी GMC फरीदाबाद, लास्ट जो वो 665 पे थी, इस बार भी 665 पे गई। अब क्वेश्चंस जो वो बच्चों के दिमाग में आ रहे होंगे कि सर हर बार जो वो कम होती है, बिकॉज ये सारा कुछ इतनी ज्यादा जो वो फ्लक्चुएशन जो है वो हमें एक्चुअली में पता क्यों देखने को मिल रही है, ये सारे रीजन क्या है जिसके कारण हमें जो है वो ये हमें सिनेरियो फेस करना पड़ रहा है इस साल, बिकॉज देयर द ह्यूज अबंडेंट स्टूडेंट ऑफ दिस सेगमेंट। अगर आप क्योंकि अब आप हम अगर वाकई में ही इसका आपको आंसर चाहिए कि सर ये ग्रेजुअली जो है वो ऐसे डिक्रीज होना चाहिए था, बट ये तो ऊपर एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है,
ये तो बड़ी गलत बात है, ऐसे कैसे हो सकता है, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये नहीं है, बच्चे भी हमने माना ठीक है ग्रेजुअली, चलो ठीक है बच्चे भी इंक्रीज हुए हैं, और हर बार जो है वो अगर आप चेक करो तो इस बार जो वो 25 लाख अराउंड बोर्ड जो 24 to 25 लाख जो वो स्टूडेंट अपेयर हुआ था, बट आप वो 25 लाख ना देखो, आपने अगर काउंट करना है ना तो 2023 से ये मुद्दा जो है वो नीट स्कैम के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट में भी उठा था ठीक है, बिकॉज 600 से 650 के बीच में कितने बच्चे बैठे हैं इस बार, और 2023 में कितने बैठे थे, और 2022 में कितने बैठे थे, मतलब दूसरा एक रीजन ये है, 650 से लेके 700 के बीच में 2021, 22 और 23 और 24 का एनालिसिस निकाल लो, और ये ग्राफ जो है वो आपको राइज होता हुआ नजर आएगा, 21, 22 में सेम था, 23 में सेम था, 24 में आपको इतना राइज देखने को नजर आ रहा है कि इतना सारा बच्चा, और वो जो भी बच्चा इंक्रीज हुआ वो उसी सेगमेंट का इंक्रीज हुआ ठीक है ना। सो ये रीजन है कि जो वो 2024 में 600 से लेके 700 के बीच में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा है, इसका रीजन दैट इज ए क्वाइट इजी लेवल ऑफ नीट का इजी लेवल ही रीजन था, जब बच्चों ने बहुत ज्यादा तैयारी की हुई है ठीक है, जब बच्चों को कुछ को ज्यादातर पेपर मिला हुआ था, नीट स्कैम था, तो ये एक पैरामीटर नहीं है, दो पैरामीटर नहीं है, कितने सारे पैरामीटर हैं जो इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि एक पैरामीटर जो मेजर पैरामीटर जो जिसके कारण ये फ्लक्चुएशन आई है, जो पेपर लीक वाला जो सिस्टम जो था वो तो वही है जो इस टाइम पे जो वो फेस करना सबको जो वो आ रहा है ठीक है। सो मोस्ट प्रोबेबली इस बार का ये है, नेक्स्ट ईयर का जो वो बच्चों को इतना ज्यादा डिप्रेस ना हो, आप लोग टेंशन ना लो ठीक है, अब ऑलमोस्ट ये सितंबर आ गया, एक साल चलो ठीक है, एक नेक्स्ट सेशन भी आप देख सकते हो, सुबह इस नेक्स्ट हर बार पेपर लीक नहीं होता, मतलब अगर वैसे तो क्या पता कहीं बाहर पहले भी लीक हो रहा होगा, बट पकड़ा इस बार गया है, बट एनी हो अभी इतनी ज्यादा फ्लक्चुएशन हमें कभी देखने को आई नहीं है, सो वी कांट से कि जो वो इस बार अगर हुआ पेपर तो अगली बार भी होगा, सो डोंट वरी फॉर दैट। सो इमीडिएटली बिकॉज ये जितने भी बच्चे हैं ये सबको अब इससे 665 वाला जो भाई जितना 600 प्लस वाला स्कोर का बच्चा है वो इतना अच्छा बच्चा है उसको सीट मिलनी चाहिए थी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द ऑल ऑफ द नीट स्कैम एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज्ड इन दिस सेगमेंट, सो दैट इज वाई दिस इज द रीजन, अगली बार का जो नीट का पेपर होगा वो पेपर का लेवल भी अच्छा खासा होगा, और ये बच्चे जो है वो अब प्रॉब्लम तो यही है कि जो कंपटीशन भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगली बार का ठीक है, सो कट ऑफ तो डाउन आएगी, अगर कट ऑफ नीचे आती है, अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट होता है तो डेफिनेटली जो ज्यादा फायदा होता है वो मिड वाले स्लॉट को ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑफ टॉप वाले को, अगर पेपर का लेवल जितना इजी लेवल होगा उतना ही फायदा टॉप वाले को होगा, बट उतना नंबर तो नीचे वाले के ऊपर आ जाएंगे बट उसको सीट नहीं मिलेगी, जैसे कि अभी ये हो रहा है ठीक है। सो दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इज फॉर द एससी कैटेगरी। एससी कैटेगरी में फरीदाबाद में जो वो ईएसआईसी फरीदाबाद में तो 621 पे गई थी, इस बार राउंड टू में 638। अब क्वेश्चन एक और आ रहा है, अब और आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर राउंड टू वन से ये 621 से ये 638 आ कैसे गया, बिकॉज इस बच्चे ने इन बच्चों ने पहले राउंड वन में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, ये राउंड वन में खेल ही कहां पे रहे थे, ऑल इंडिया कोटा में, अब सेकंड राउंड दोबारा ओपन हुआ और सेकंड राउंड में इनकी एंट्री हुई ठीक है। अब एक एग्जांपल देता हूं, अब बिहार में ठीक है, बिहार का तो चलो वैसे भी स्कैम आ गया, अब बिहार में राउंड वन में जब वो नहीं होती, एक बार रजिस्ट्रेशन होती है, राउंड वन में रजिस्ट्रेशन होती है, राउंड टू में रजिस्ट्रेशन नहीं होती, उसमें ये वाली चीज आपको कभी नहीं नजर आएगी, आप चेक कर लेना राउंड वन का बिहार का रिजल्ट आएगा, राउंड टू में उससे कम ही होगी, ज्यादा नहीं होगी, फिर यहां पे ज्यादा क्यों, क्योंकि राउंड टू में एंट्रीज मिलती है, इन बच्चों को लगा था कि हमारा ऑल इंडिया कोटा में बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाना था हमें, तो राउंड टू में हम पार्टिसिपेट करेंगे यहां पे आके, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने राउंड वन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, अब उनको एंट्री हुई है, तो दिस इज द रीजन कि जो वो कट ऑफ गोज फ्रॉम 621 टू 638, क्लियर, ये रीजन है, डन। नेक्स्ट आ गया
621 से पीजीआई रोहतक का जो वो था और 615 पे चली गई। अब ये डाउन आई है, ठीक है, 610 से 609 पे आई है। अब ध्यान से देखो, दिस इज अ क्वाइट रीजन, जो मैंने रीजन बताया था आपको, इसमें तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, इसमें भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट इसमें चेंजेस क्यों है, क्योंकि जो नया बच्चा आया ना वो टॉप रैंक का ही था। चेक करो, 620 से ऊपर वाला जो एससी कैटेगरी का बच्चा था उसको ऑल इंडिया कोटा में अच्छा कॉलेज मिलना ही था, और डेफिनेटली इसको मिला भी होगा, बट इसको अपनी अप्रोप्रिएट कॉलेज जो डिमांड के अकॉर्डिंगली मे बी नहीं मिला। सो दैट इज वाई वो तो ऊपर वाला ही था, ऊपर वाला सेगमेंट था और ऊपर वाला ही कॉलेज चूज करना था उसने, वो कर लिया उसने। आफ्टर दैट पीजीआई रोहतक की बात करें, रोहतक का स्कोर जो नीचे आ गए, अब जब नीचे आ गए हैं तो डेफिनेटली फिर वो इसमें कट ऑफ जो वो नीचे चली गई है। ये उनको फायदा हुआ जो ऑलरेडी बच्चे नीचे बैठे हुए थे, ये उनको फायदा हुआ जिन्होंने ऑलरेडी में, और नुकसान उनको हुआ जो नीचे बैठे हुए थे, फायदा उनको हुआ जो जिनकी डायरेक्ट एंट्री हुई है, ठीक है। सो दिस इज द रीजन 602 598। मैंने आपको दो दो रीजन बता दी है, अगर कम हो रही है तो नीचे वाले को फायदा मिल रहा है, और ऊपर वाले को अगर जो कट ऑफ ऊपर जा रही है तो यानी कि उनको फायदा मिल रहा है जो बाहर से आए हैं, जो सेकंड राउंड में एंट्री की है जिन्होंने। तो 602 से 600 स्कोर के ऊपर गया, ठीक है, ये नीचे आया है। 594 से 591 पे आया, ये नीचे आया है। 598 से 594 आया है, ये नीचे आया है, ठीक है। ऐसे डिप्राइव 618 से 625 तक, 576 से 630 के ऊपर, ये दिस इज अ डिमांडिंग, ये डिमांड बढ़ गई। देखो देखा ना, ऊपर वाले जो कॉलेजेस होंगे उसमें ही चेंजेस नजर आएंगी, क्योंकि नीचे वाले में नहीं आएंगे, क्योंकि जो भी बच्चे होंगे अब ऑल इंडिया कोटा में खेलने वाले जो एक्सपेक्टेड थे, जिनको वो टॉप रैंकर ही होंगे ना, तो टॉप रैंकर ऊपर वाले ही कॉलेज चूज करेंगे, नीचे वाले तो वो करेंगे नहीं, इसलिए इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आएंगे आपको। 568 से यहाँ पे 634 है, बट इसको अच्छा कॉलेज वहां पे मिला हुआ है, इन बच्चों को अच्छा कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में अब राउंड टू पे मिल गया हुआ। सो दे विल नॉट बी ज्वाइन, ये ज्वाइन नहीं करेंगे, ये मूव करेंगे, डेफिनेटली ऑल इंडिया कोटा वाली सीट ही चूज करेंगे ये, ठीक है। यहाँ पे सीट बची नहीं है, राउंड वन में 540 पे और 539 पे जब वो अटल बिहारी जो वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फरीदाबाद में ही लास्ट सीट गई है। नेक्स्ट इज द EWS, EWS में ज्यादा चेंजेस नहीं आती ऑलमोस्ट, आप चेक करो कि देखो जनरल के अप्रॉक्सी जो वो जनरल कैटेगरी रहती है। 678 से इस बार का जो कट ऑफ है वो 675 पे गया है, 673 से 675, सेकंड कॉलेज पीजीआई रोहतक की डिमांड ज्यादा है, ये भी 576 से 630, ठीक है, इसमें भी सेम द डिमांड ऑफ द पीजीआई रोहतक इज हायर इन राउंड टू, सो दैट इज वाई वी आर जो वो ऑब्जर्विंग द कट ऑफ इज हायर एज कंपेयर टू ऑफ वन जो वो इन द पीजीआई रोहतक, सॉरी 671 से 672 पे, 660 से 665, ठीक है, राइज कर गई, ये भी राइज कर गई, देखो सारी राइज की है। 658 से 666 राइज, 655 से 665 राइज, ठीक है, 657 से 660, तो मतलब बढ़ती जा रही है। ऐसा हमें पहले कभी नहीं होता था, ये मोस्ट प्रोबेबली आपने ना अगर आप लास्ट राउंड लास्ट ईयर की जो वो कट ऑफ चेक करोगे ना, तो दिस इज सिंगल स्टेट इन द यूपी जिसमें जब वो राउंड वन में बच्चों को सीट मिली, तो ये होता किसमें था, ये वाला सिनेरियो किसमें होता था, जो बच्चे 300 से लेके 400 के सेगमेंट के, 300 से लेके 550 के सेगमेंट तक होते थे, उन बच्चों के साथ होता था राउंड वन में कॉलेज फिल हो, अच्छा कॉलेज फिल हो जाता था, क्योंकि अच्छे वाले तो वेट कर रहे होते थे अपनी स्टेट की, तो वो यूपी में कॉलेज नहीं लेते थे। तो प्राइवेट कोटे की जो यूपी में लास्ट ईयर ऐसा होता था कि फर्स्ट कॉलेज में आप ये एग्जांपल, एक एग्जांपल गई हापुड़ की, जीएस हापुड़ की बात करो, तो पहले 378 देन 471, 378 से सॉरी 374 से 391 देन जब वो 418, यानी कि राउंड वन टू थ्री कम होने के बजाय राइज कर रहा था। इस बार क्या हुआ, ऑलमोस्ट आप ये समझो कि पूरी स्टेट ही, जितनी भी स्टेट है वो सारी यूपी बन गई। अब वही वाला सेगमेंट चेंज हो गया, यानी कि एवरेज की स्कोर अगर आप करो तो आपने एवरेज स्कोर इसमें आपको ऑब्जर्व, इसका प्रूफ मिल रहा है आपको कि लास्ट ईयर का एवरेज स्कोर और इस बार का जो एवरेज स्कोर चेक करके देखो कितना चेंजेस है।
तो इसीलिए जो चीजें प्राइवेट में हम कंसिडर कर देखते देख रहे होते थे, जो सिनेरियो हम यूपी में प्राइवेट में करते थे, वही सिनेरियो अब जो वो गवर्नमेंट में करने पड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन द बीसीबी कैटेगरी 675 था पहले, देन अब मूव ओके हो गया, इसमें कोई सॉरी सीट, इसमें कोई भी सीट नहीं थी। नेक्स्ट 675 पे जब वो अराउंड वन में था, सेम गया 675 से, 671 से 671 सेम, 661 से 670 बढ़ गई, इंक्रीज कर गई, 665 से 669 इंक्रीज कर गई, 660 से 662 इंक्रीज कर गई, 660 से 660 सेम। बीसी ए कैटेगरी में 675 से 675, 665 से सीट कोई है नहीं थी तो लास्ट यहीं पे, 662 से 665, 655 से 660। ठीक है, बीपीएस सोनीपत की बात करें तो 650 से लेके 655 तक, 57 तक अगर से इनकी बात कर रहे हैं तो 650 में यहां पे गई राउंड वन में, और राउंड टू में खाली नहीं थी, राउंड टू में कोई सीट नहीं थी, 652 पे ऊपर जो अब लास्ट बीसीए कैटेगरी के 652 के ऊपर गई है। ओवरऑल यानी कि अगर बीसीए की काट कर बात करें तो ये सेम है इस बार का, ये है राउंड टू का रिजल्ट जो वो 660 तक, राउंड टू का रिजल्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 660 की कट ऑफ है, राउंड एससी डिप्राइव्ड की कट ऑफ 634 है ओवरऑल, और एससी की जो वो ओवरऑल जो वो इस बार की 594 है, और जनरल की लास्ट कट ऑफ जो वो 665 पे फिनिश हो गया। सो दिस वाज द कंप्लीट एनालिसिस कि ये ग्राफ जो वो इंक्रीज क्यों हुआ, उसका भी मैंने आपको डिटेल एनालिसिस दे दिया, क्यों हुआ, क्या पैरामीटर्स थे, क्या रीजन थे। बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ग्राफ नीचे जाना चाहिए था, इंक्रीज कैसे कर गया, तो दिस इज द रीजन। जितने भी पैरामीटर्स थे आई ट्राइड टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पैरामीटर्स एट फ्रंट ऑफ यू, सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो जो भी स्टूडेंट, आई जस्ट विश कि थर्ड राउंड में जो बच्चे वेट कर रहे हैं, सीट्स भी बढ़ेंगी और ये वाला ग्राफ भी अब नीचे आएगा, अब जो थर्ड राउंड का कट ऑफ होगा वो ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, जो आपको इसमें जो आपको देखने को मिल रहा है ना कि राउंड वन में, अभी इससे ग्राफ ये जो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऊपर में जाएगा, बिकॉज जितने बच्चे ने अप्लाई करना था ऑल ओवर इंडिया के, हरियाणा में जो भी डोमिसाइल वाले होंगे उन्होंने अप्लाई कर दिया, अब ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर ये जो टॉप कॉलेजेस में, नीचे वाले में चेंजेस आ सकती है, बट ये जो टॉप कॉलेजेस हैं, ये जनरल कैटेगरी के जो टॉप कॉलेजेस हैं, ये ऊपर एटलीस्ट जो दो तीन कॉलेजेस हैं इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं आएगी, नीचे वाले में देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट ऊपर वालों में ग्राफ ऊपर नहीं जाएगा, नीचे आएगा। ठीक है, सो दिस वॉज द कंप्लीट एनालिसिस, सो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टू द ऑल नीट कैंडिडेट्स।